हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अगर आप एक सैलरीड क्लास इंडिविजुअल हैं तो इस साल आपको कौन सी आईटीआर फाइल करनी है वो इस वीडियो में देखते हैं। इन टोटल देखा जाए तो 7 टाइप्स की आईटीआर होती हैं। इनमें से जो पहली 4 हैं वो एप्लीकेबल होती हैं एक इंडिविजुअल पे, और अगर इसे और बाइफर्केट किया जाए तो एक सैलरीड क्लास के लिए ITR 1 या फिर ITR 2 होती है, और वहीं अगर इंडिविजुअल का बिजनेस है या प्रोप्राइटर है तो उसके लिए ITR 3 या फिर ITR 4 होती है। ये वीडियो स्पेसिफिकली सैलरीड क्लास के लिए, तो आप ITR 1 या फिर 2 किसी एक में फॉल करोगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ITR 1 की। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर आप उन्हें फुलफिल कर देते हो तो आप ITR 1 कैटेगरी में फॉल करोगे। तो अब जो मैं आपको कंडीशंस बताने वाला हूं उन्हें ध्यान से सुनना, एंड अगर वो सारी की सारी कंडीशंस आप फुलफिल करते हो तो फिर ITR 1 चूज करना। जल्दबाजी में ऐसा मत करना कि हाँ 3-4 कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो मुझे इसी कैटेगरी में जाना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। सो मेक श्योर कि आप हर कंडीशन को अच्छे से सुनो। ITR 1 की कंडीशंस ये हैं कि आप एक ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, एंड आपकी टोटल इनकम है अप टू 50 लाख, और जो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है यानी जहां से आपकी इनकम जनरेट होती है वो सिर्फ यहीं पे ही क्लासिफाई होनी चाहिए। इनकम फ्रॉम सैलरी या फैमिली पेंशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बट ध्यान रखें कि सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसकी इनकम आ रही हो। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, एंड एग्रीकल्चरल इनकम, बट इसकी मैक्सिमम लिमिट है 5000। तो ये 3 बेसिक कंडीशंस हैं जिनको अगर आप फुलफिल करते हो तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। बट अभी इसमें और कुछ पॉइंट्स हैं तो इसे ध्यान से सुनना। तो ये देखते हैं कि कौन लोग हैं जो ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हो या फिर रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑफ इंडिया, देन अगर आप HUF हो या आपकी टोटल इनकम मोर देन 50 लाख है, या जो एग्रीकल्चरल इनकम थी वो मोर देन 5000 है, या फिर आप किसी कंपनी में एक डायरेक्टर हो। इस पॉइंट का आपको खास ध्यान रखना है बिकॉज डायरेक्टर की इनकम भी तो सैलरी हेड में ही आती है, बट यहाँ स्पेसिफिकली मना किया गया है कि अगर आप एक डायरेक्टर हो तो भाई आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। या आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या आपके ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या फिर आपकी इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज भी हो रही है जैसे मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, आपका कोई साथ में बिजनेस या प्रोफेशन भी है तो वहां की इनकम, और कैजुअल इनकम। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ITR 1 में जा सकते हो। बट वहीं अगर कैजुअल इनकम हो रही है जैसे गैम्बलिंग हो गया, या फिर क्रॉसवर्ड पसल जीतना, लॉटरी, या इवन ये ड्रीम 11 टाइप के जो ऑनलाइन गेम्स है, तो भाई फिर आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। देन अगर आपने एसेट्स होल्ड करे हुए आउटसाइड इंडिया, एंड अगर आपको इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया होती है जिसपे आपको डबल टैक्सेशन का रिलीफ क्लेम करना है, तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। एंड अगर आपने कैश का विड्रॉल करा है एक्सीडिंग 1 करोड़, तो भाई ITR 1 नहीं कर सकते। एंड अगर आप एक एलिजिबल स्टार्टअप में हो जहाँ पे आपको ESOPs अवेलेबल हैं, तो ITR 1 नहीं कर सकते। एंड लास्टली अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट कराया है बैंक में, तो फिर ITR 1 नहीं है। तो ये सारी कहानी थी ITR 1 को लेकर कि कौन फाइल कर सकता है, कौन नहीं फाइल कर सकता है। तो ITR फाइल करने से पहले इन चीजों को अच्छे से समझ लो, सो दैट ऐसा ना हो कि कहीं गलत ITR फाइल कर दो। अब चलते हैं ITR 2 की तरफ। तो बेसिकली जो लोग ITR 1 नहीं फाइल कर सकते थे उनके लिए है ITR 2, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले तो वही कंडीशंस हैं जो लोग ITR 1 नहीं फाइल कर सकते थे, अब वो सारी ITR 2 में कर सकते हैं। या आप नॉन रेजिडेंट हो या फिर रेजिडेंट हो, एंड यहाँ रेजिडेंट में नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट दोनों ही कवर होंगे, क्योंकि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि पिछली कैटेगरी में आप ऑर्डिनरीली रेजिडेंट तो थे, बट हो सकता है आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है या एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे तीनों को इंक्लूड किया गया है। या HUF हो, या टोटल इनकम मोर देन 50 लाख है, या कंपनी में डायरेक्टर हो, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करते हो, या फिर आपकी इनकम इन सोर्सेज से है जैसे मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी ITR 2 में आप कैजुअल इनकम को इंक्लूड करोगे। देन अगर आपके एसेट्स हैं आउटसाइड इंडिया, या फिर आउटसाइड इंडिया से आपको इनकम हो रही है, एंड एक खास पॉइंट ये है कि अगर आपकी इनकम अराइज हो रही है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, NFTs, तो फिर आप ITR 2 में जाएंगे। तो अगर आप ITR 2 की इन कंडीशंस में से किसी में अगर फॉल करते हैं तो फिर आपको ITR 2 भरनी है। एंड ITR 2 वो इंडिविजुअल या HUF नहीं फाइल कर सकता जिसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस एंड प्रोफेशन कैटेगरी के लिए ITR 3 एंड ITR 4 है। तो ये थी कहानी ITR 2 की, एंड आई होप आपको ITR 1 एंड ITR 2 दोनों की कंडीशंस अच्छे से समझ आ गई होंगी कि आप कहां पे एलिजिबल हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ITR 3 एंड ITR 4, जैसा कि मैंने बताया वो उनके लिए है जिनकी इनकम आ रही है फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो मैं मिलता रहूंगा इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।